नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएससी स्टडी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 की इंटरनल परीक्षा चल रही है, इंटरनल एग्जाम चल रही है। और मैं आप सभी को बता दूं कि 2 पेपर उनके फिनिश हो चुके हैं और कल 3rd पेपर है। कल का जो पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स एमए का पेपर है। मैं आप सभी को एमए के पेपर के लिए जो लर्निंग टॉपिक्स हैं वो बताना चाहूँगा। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में से इस लर्निंग टॉपिक्स में से कहीं ना कहीं जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। और रेगुलर लेक्चर्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये टॉपिक्स हैं वो पढ़ाया गया है कैंपस में। तो मैं आप सभी को यूनिट वाइज जो लर्निंग टॉपिक्स है वो बताऊँगा, आप सब राइट डाउन कर लें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में टॉपिक नंबर 1 अप्रोच फंक्शन एंड फॉर्म्स ऑफ मनी, टॉपिक नंबर 2 सप्लाई ऑफ मनी एंड इट्स डिटर्मिनेट, टॉपिक नंबर 3 क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक एंड टॉपिक नंबर 4 इंडेक्स नंबर, लास्ट यूनिट यूनिट नंबर 2 टॉपिक नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी, टॉपिक नंबर 2 फिस्कल पॉलिसी एंड लास्ट टॉपिक नंबर 3 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये टोटल 7 टॉपिक थे 2 यूनिट को मिलाकर। आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करें, अच्छे से इसको समझें और रेट करें। कहीं ना कहीं कल के पेपर में हो सकता है सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज हो इसी टॉपिक्स में से आपको पूछे जाए। कल के पेपर के लिए सभी स्टूडेंट्स को विशिंग यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।